चले जी, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जी हमारा लेक्चर है, जो हमारी मॉडर्न और या एडवांस पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। वी आर डन विद अपना जेन पॉल सार्टर एंड वी आर डन विद रेने डेकार्ट। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है इसी इस सीरीज का, जिसका नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो है जी, ये वो फिलोसफर है जो आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, ये मैं काउंटर रेफरेंसेस लिखवा रहा हूं जिनमें आपने कल को इसको यूज करना है। प्लेटो, एरिस्टोटल और तीनों आपके कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स, हॉब्स, लॉक एंड रोसो। क्लियर होगी बात? ये इनमें हेल्प करेगा। और अगर आपका फिलोसफी सब्जेक्ट है साथ, तो फिर ये और भी फिलोसफर्स हैं, ठीक है, जिनको ये कवर अप करेगा, लाइक डेविड ह्यूम, ठीक है, और भी इसके अलावा लोग हैं जिनके ऊपर ये फिट इन होता है जी। तो हम करते हैं स्टार्ट। लेकिन ये फिलोसफर जो है, ये फिलोसफी के अंदर दो बड़े ऑपोजिट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये उन दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को क्रिटिसिज्म करेगा और उनके दरमियान एक ब्रिज कायम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जो बच्चे बिगनर्स हैं, बिगनर से मेरी मुराद जो फलसफे के स्टूडेंट नहीं है, और अगर वो फलसफे के स्टूडेंट हैं भी तो शायद उनको अभी फलसफा पूरा समझ नहीं आया, तो उन तमाम बच्चों की आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि ये जो तो हमारे दो बड़े वेस्टर्न फिलोसफी के बड़े मास्टर्स हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल, उनके दरमियान जो गैप है, उनके दरमियान जो बहस है, ये बेसिकली उन दोनों के दरमियान क्या करेगा, ब्रिज कायम करेगा। लेकिन मैं उन दोनों का नाम नहीं ले रहा या उनके नाम से शुरू नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन दोनों की जो थॉट है उससे शुरू कर रहा हूं, क्योंकि इसने उन दोनों तरह के जो थॉट्स थी उनको क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, और क्रिटिसाइज करने के बाद इसने उन दोनों की गलतियां निकाली हैं और उसके बाद फिर उनको मशवरा दिया है कि अगर आप ये काम करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। और वो दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स, एक का नाम है रैशनलिज्म और एक का नाम है एम्पिरिसिज्म। जी, रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। अब रैशनलिज्म जो है, ये एक नॉलेज की वो फिलॉसफी है, वो मेथड है जो ये कहता है कि हकीकत का इल्म हमें किससे हो सकता है, हमें रीजन से इल्म हो सकता है, हकीकत का इल्म हमें रीजन से हो सकता है। और अगर हम इस चीज को मेटाफिजिकली देखें तो रीजन का इल्म हमें उन बातों से हो सकता है जो बातें ना तो जो चीजें ना तो नजर आती हूं ना दिखाई देती हूं, यानी कि हमारी सेंस परसेप्शन से क्या है, बाहर एग्जिस्ट करती हूं, तो ऐसी चीजों का इल्म हमें किससे होता है, हमें अकल से होता है, वो हमें सेंसेस से नहीं होता। इसका मतलब है जो रैशनलिस्ट होते हैं या जो लोग रैशनलिज्म को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज मानते होते हैं, उनका जो आइडिया ऑफ रियलिटी होता है वो क्या होता है, वो आइडिया होता है, स्पिरिट होता है, कॉन्शियसनेस होता है, थॉट होता है। इससे पहले हम डेकार्ट को पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम प्लेटो को पढ़ चुके हैं, तो हमें अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे रेगुलर सेशन ले रहे हैं ना ये क्लासेस, उनको पता लग रहा है कि जो पिछला हमारा पढ़ा हुआ फलसफा है वो भी इन फिलोसफर्स ने आके क्या करना है,
इम्प्रूव कराने हैं, रिविजन करानी है। देखो जबरदस्ती पे आपको पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला भी, वो आप प्लेटो पे जाओगे ही जाओगे, आप कांट पे और सॉरी डेकार्ट पे जाओ ही जाओगे, आप एरिस्टोटल पे जाओगे जाओगे, तो वो भी पुरानी चीजें भी हमारी क्या हो जाती है फिर, जरा इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर हो जाती है। क्लियर होगी बात? तो ये रैशनलिज्म जो है, ये बेसिकली ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो बिलीव करता है कि रीजन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड अल्टीमेटली इनके करीब आइडिया ऑफ रियलिटी क्या है, सॉरी द नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, दैट इज आइडिया, स्पिरिट, कॉन्शियसनेस, थॉट और माइंड, ये चार पांच वर्ड्स हैं ये जो आपने अपने माइंड में रखने हैं। दूसरी तरफ एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है एम्पिरिसिज्म। तो एम्पिरिसिज्म आपको पता है किसको कहते हैं, नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, नॉलेज थ्रू सेंस परसेप्शन, नॉलेज थ्रू योर सेंसेस। तो जो सेंसेस होती हैं वो ऑपरेट करती हैं, दो वर्ड्स बोलूंगा, विद इन द टाइम एंड स्पेस, यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरती हो, वजन रखती हो, जिसका मास हो, जो फिजिकल टेंजिबल हालत में हो, ऐसी चीजों को हम अपनी सेंसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेंसेट कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो एम्पिरिसिज्म वाले हैं वो सेंसेस को एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। तो यहां से एक और बात भी फिर हम सीख लेते हैं कि सेंसेस सिर्फ उन्हीं चीजों पर अप्लाई हो सकती है जो क्या होती है, जो मेटीरियल इन नेचर हो, टेंजिबल इन नेचर हो। क्लियर हो रही बात? तो इसका मतलब है सेंसेस का इल्म आएगा, सेंसेस इल्म लेकर आएंगे किसका, मादे का, और रीजन इल्म लेकर आएगी किसका, आइडिया का। और ये आइडिया जो है ये बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होता है, और मादा जो होता है ये विद इन द टाइम एंड स्पेस होता है, यानी कि जैसे मैं आपको नजर आ रहा हूं, ये मार्कर आपको नजर आ रही है, आपको अपना हाथ, अपनी बॉडी नजर आ रही है, तो ऐसी चीजें जो हैं ये मादा कहलाती हैं और इनका इल्म हमें सेंसेस से होता है। लेकिन आप लोगों के जो नजरियात हैं, ख्यालात हैं, या वो चीजें जो टाइम एंड स्पेस से क्या करती हैं, बाहर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम फिजिकल टेंजिबल फॉर्म में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ऐसी चीजों का इल्म हमें कहां से होता है, अकल से होता है, रीजन से होता है, और ऐसी चीजों की नोयत क्या होती है, आइडिया होती है। क्लियर होगी बात? अब यहां से शुरू करते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो है वो इस एरिया को, इनको कहता है, ये है कॉन्सेप्ट्स, ये क्या है, कॉन्सेप्ट्स, और इनको वो कहता है प्रीसेप्ट्स। अगर आप गौर करें तो सिर्फ नामों का फर्क है, अदरवाइज आइडिया क्या है, सेम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो इन वो है नॉन मटेरियल है, नॉन फिजिकल है, इनटेंजिबल है। कॉन्सेप्ट आप कहते हैं फला चीज का आइडिया या तसव्वुर या ख्याल, ठीक, तो वो आपको फिजिकल हालत में मौजूद नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप कहते हैं प्रीसेप्ट्स, तो परसेप्शन किन चीजों की डिवेलप हो सकती है, प्रीसेप्ट्स क्या है, जो फिजिकल हालत में चीजें मौजूद है, ठीक है। तो यहां पर अब ये दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट है, आप सबको आइडिया हो गया कि ये प्लाटोनिक स्कूल है और ये अरिस्टोटेलियन स्कूल है, और प्लेटो का, अरिस्टोटल का तनकीद थी किसके ऊपर, प्लेटो के ऊपर, और प्लेटो का अगर आप याद करो एलेगरी ऑफ केव, तो उसने सेंसेस को एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ जो प्लेटो था, सॉरी अपना अरिस्टोटल था, उसने वो तमाम आइडियाज, वो तमाम फॉर्म्स जो फिजिकल हालत के बगैर बाहर एग्जिस्ट करती है, उनको हकीकत मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा जो कुछ भी है, अगर कोई फॉर्म भी है, यानी कि एक होता है इंसान जो इमेजिन इंसान होता है, और एक वो है जो आपको नजर आ रहा है, तो उसने कहा वो जो इमेजिन है वो ही, वो इसी की फॉर्म में क्या है, रियलाइज हो रहा है। तो इसीलिए इसी को पढ़ो, इसी को देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि इंसान कौन होता है। तो ये डिबेट जो है
ये दोबारा थ्रू आउट, और वो उसने कहा था ना एल्फ्रेड नोबल हेड ने कि ऑल द फिलोसफी वेस्टर्न फिलोसफी इज फुट नोट टू प्लेटो। ये है बात कि बाद में आने वाले जितने फिलोसफर हैं या उन्होंने प्लेटो को करेक्ट किया है, उन्होंने प्लेटो को इनलार्ज किया है, या उन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है। That is why we, oh, Alfred Nobelhead ने ये कहा था कि all of the Western philosophy is a footnote to Plato, यानी कि उसी की क्या है further extension है। Clear हो गई बात? तो Immanuel Kant क्या कहता है, उसका quotation लिखिए जी, यहां से आपको एक बात समझ आएगी और यहां से मजेदार लेक्चर बनेगा। Immanuel Kant कहता है all precepts, गौर से सुनिएगा और इधर ये भी ज़हन में रखिएगा, ऑल प्रिसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स, ऑल प्रिसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड, ऑल प्रिसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड। और दूसरी तरफ वो कहता है कि ऑल कॉन्सेप्ट्स विदाउट प्रिसेप्ट्स जी, ऑल प्रिसेप्ट्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स विदाउट प्रिसेप्ट्स आर एम्प्टी। अब इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ इस तरह से कि जिंदगी में पहली दफा आपने ये दो ऑब्जेक्ट्स है मेरे हाथ में, इनको देखा है। फलसफा थोड़ा सा आसान करके समझाया जाए तो फिर समझ आएगा। जिंदगी में आपने पहली दफा इन चीजों को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, सेंसेट किया है, सेंसेस यानी कि परसेप्शन, प्रिसेप्ट्स बनाए। उसने कहा ऑल प्रिसेप्ट्स विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर। अब अगर आपका दिमाग इन चीजों को कोई आइडिया नहीं दे सकता, कोई नाम नहीं दे सकता, तो फिर हम सारा दिन एक दूसरे को क्या कहेंगे कि क्या लेकर आओ बताए। अगर मैंने आपको कहना हो कि ये मार्कर लेकर आए, तो आपको ये पता ही नहीं है, इंसानों को ये देख सकते हैं हम इनको, लेकिन हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर आपको पता है दुनिया में किसी भी चीज को हम कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे। आज देखो दुनिया ने अकल के थ्रू क्या कर लिया है, अब मेरे और आप जैसे नजर आने वाले लोगों का नाम रख दिया इंसान, चार टांगों वालों का नाम रख दिया जानवर, इसका नाम रख दिया कुर्सी, इसका नाम रख दिया मार्कर, इसका नाम रख दिया पौधा, इसका नाम रख दिया टीवी, इसका नाम रख दिया एसी। इसका मतलब है ये चीजें तो मादी है और नजर भी आती है, लेकिन जब तक दिमाग ने इनको कोई मीनिंग नहीं दिया तो फिर हमें अंडरस्टैंडिंग। अब मेरा ख्याल है रॉकेट साइंस नहीं है, आपसे मैं अगर ये पूछूं कि ये क्या है, तो क्योंकि आपके दिमाग ने इन चीजों को इतनी दफा एक्सपीरियंस कर लिया और इनका एक मीनिंग डिफाइन कर लिया हुआ कि आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये मार्कर। That's what he meant कि जो all precepts हैं वो without concepts वो क्या होते हैं, blind होते हैं, ठीक है। और मैं कल एक बंदे को सुन रहा था, इंडियन प्रोफेसर है बड़े, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी, मैं आपसे वो मिसाल शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं आप यूं समझ लीजिए कि सड़कें मौजूद हैं, सड़कें खाली सड़कें मौजूद हैं, लेकिन ऊपर कोई चलने वाला नहीं, तो प्रॉब्लम हो गया। यही है दुनिया की हर चीज में, हर चीज में जो नजर आती है दिखाई देती है, अगर उसको मीनिंग देने वाला कोई ना हो तो फिर वो चीजें हमारे मतलब की नहीं रहती, फिर तो तजाद आ जाएगा, फिर तो मसला बनेगा, हर बंदा फिर अपनी अपनी डेफिनेशन बनाएगा और यूं दुनिया में नॉलेज पॉसिबल नहीं हो सके। तो उसने बेसिकली गलती निकाली है किसकी, मटीरियलिज्म वालों की, कि आप जो कहते हो ना कि सिर्फ और सिर्फ क्या हकीकत है, मादा हकीकत है, और नॉलेज सिर्फ और सिर्फ किससे आ सकता है, सेंसेस से आ सकता है। उसने कहा नहीं, सेंसेस नॉलेज लेकर आती है, लेकिन उनके इंटरप्रिटेशन कौन करता है, उनके इंटरप्रिटेशन आपका माइंड करता है। दूसरी तरफ उसने इनको कहा अपना कॉन्सेप्ट्स वालों को, आइडियाज वालों को या अकल वालों को, कि अगर आप दुनिया में किसी मादे चीज को देखोगे ही नहीं, उसको हकीकत मानने से इनकार कर दोगे, तो आइडिया किसका बनाओगे, है ना कॉमन सेंस की बात। अगर आपके सामने मैं, आप मुझे हकीकत मानने से इनकार कर देते हैं, अपने आप को हकीकत मानने से
इनकार कर देते हैं तो फिर ह्यूमन बीइंग का आइडिया कहां से आए। ठीक, तो इसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि सुनिया ओजन गलियां ते विच मिर्जा यार मिले, यानी कि पूरी दुनिया को आपने हकीकत मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और तो हकीकत होगी कहां पर फिर आपके माइंड में, तो वो कहते हैं उसका हमने क्या करना। ठीक है, एम्प्टी रोड्स एंड नो वन इज देयर टू वॉक। ठीक है, ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए फिर उसने कहा कि ऑल कॉन्सेप्ट्स विदाउट प्रिसेप्ट्स आर एम्प्टी एम्प्टी। और एक फिक्रा और लिख लीजिए, दुनिया में जब भी हम कहते हैं ना नॉलेज, अकल क्या कर रही है, नॉलेज पैदा कर रही है ना, हमें किसी चीज के बारे में बता रही है, कंसेप्चुअलाइजेशन दे रही है, वो कहते हैं नॉलेज हमेशा नॉलेज ऑफ समथिंग होता है, नॉलेज ऑफ समथिंग होता है, यानी कि आप कहते हैं मैं जानता हूं, तो आप किसी चीज के बारे में ही जानते हैं ना, कि जी मैं नेकी के बारे में जानता हूं, मैं बदी के बारे में जानता हूं, मैं इंसानों के बारे में जानता हूं, मैं आपके हाथ में मौजूद ये जो मार्कर्स हैं मैं इनके बारे में जानता, इसका मतलब है दिमाग ने आइडिया बनाना है तो उसने किसी चीज का आइडिया बनाना है, तो वो कौन सी चीज होगी जिसका दिमाग आइडिया बनाएगा, वो चीज क्या होगी, वो मादा होगा। सो इसका आसान तर्जुमा सुन लें कि मैटर विदाउट आइडिया और आइडिया विदाउट मैटर, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सेंसेस विदाउट रीजन आर ब्लाइंड एंड रीजन विदाउट सेंसेस इज एम्प्टी, क्योंकि अकल के पास कुछ है ही नहीं प्रोसेस करने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे मैं इसकी मिसाल आपको कुछ यूं देना चाहता हूं कि कंप्यूटर पड़ा हुआ है, अब कंप्यूटर के अंदर जो कुछ लगा हुआ वो लगा हुआ है, प्रोसेसिंग मशीन है, लेकिन अंदर कोई डेटा ही नहीं एंटर करोगे जिसको वो प्रोसेस कर सके, तो फिर ये लैपटॉप क्या रहेगा, ये ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे, डेटा से मुराद हम क्या ले रहे, देखो बाहर से कोई फिजिकल चीज दिमाग को विजुअलाइज होगी तो वो आइडिया क्या करेगा, डिवेलप करेगा। तो यूं आपको समझ आ गई कि उसने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों को क्या कहा, दोनों को कहा कि भाई आपकी क्या है, थोड़ी थोड़ी गलती है, तो अब अगर आपने नॉलेज को आगे लेकर चलना है तो फिर हमें इन दोनों के दरमियान क्या करना पड़ेगा, ब्रिज कायम करनी पड़ेगी। ये है एक बिगिनिंग फाउंडेशनल इमैनुअल कांट, इसके बगैर आपको कांट की अगली फिलॉसफी समझ नहीं आती जब तक आपको रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के दरमियान डिबेट क्लियर ना हो। डन होगी बात, अब आते हैं उसकी फिलॉसफी की तरफ और उसका नाम है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। जी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी कुछ समझ आ रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, जो बच्चे रेगुलर इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, लेक्चर्स की कनेक्टिविटी बनती रहेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें महारत हासिल कर लेंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बल्कि अब तो मैं दुआ ही कर रहा हूँ कि वो अगली दफा चार सवाल कहाँ से दे दे, एडवांस पॉलिटिकल साइंस से दे दे, ताकि उधर जो है वो फिर दौड़, जिसने दौड़ी होगी वो बहुत आगे चला जाएगा और जिसने नहीं दौड़ी होगी वो फिर जो है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, हॉब्स, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स, ये तो हर बच्चा ही अब कर रहा है, लेकिन उसने इस दफा इशारतन क्या दिए, दो फिलोसफर्स दिए, तो अब देर आर हाई चांसेस कि हो सकते हैं वो अगले जो हमारा एरिया है जहां हम ना मैं करता हूं ना कोई करवाता है ना आप करते हैं ना कोई करता है, तो वो इस डोमेन में अगर आ गया तो फिर हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि चारा गजा उनके नाम तो सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो फिर आप कंप्लेन भी नहीं कर सकेंगे कि ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। एनीवेज जी, जी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, वो कहता है कि जो माइंड है, अब अगर आपने इस सारी कहानी को समझना है तो यहां से एक बात ज़हन में रख लें कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो माइंड है ये एक एक्टिव एजेंट है। माइंड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, पहले हमें मानना पड़ेगा अगर नॉलेज पॉसिबल कराना है
ये बेसिकली ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म इज थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि इल्म कहां से आएगा, कैसे आएगा। ठीक जी, तो वो क्या कह रहा है, माइंड क्या है, एक एक्टिव एजेंट है और इसके अंदर इननेट स्ट्रक्चर्स मौजूद है। माइंड के अंदर ही क्या मौजूद है, इननेट स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉलेज की फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो नॉलेज के कैटेगराइज करने में, नॉलेज को अंडरस्टैंड करने में, चीजों की हकीकत हमें बताने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जी एक्टिव एजेंट, ये खुद से चीजें इसके अंदर इनेट होती है और ये नॉलेज, एक्टिव नॉलेज क्रिएशन लिख सकते, एक्टिव नॉलेज जनरेटर लिख सकते। यानी कि अगर सब कुछ भी खत्म हो जाए तो माइंड के अंदर एनर्जी है, माइंड इज अ मूविंग एनर्जी, एक्टिव एजेंट है जो कुछ ना कुछ क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, जो कुछ ना कुछ हमें दे सकता है। जी इसके अंदर अब वो कैटेगरीज बनाता है, वो कहता है कि तीन मेजर फैकल्टीज हैं माइंड के अंदर। कितनी फैकल्टीज हैं, तीन माइंड फैकल्टीज हैं। पहली को वो कहता है माइंड के अंदर है फैकल्टी ऑफ सेंसेशन, जी फैकल्टी ऑफ सेंसेशन। अब ये फैकल्टी ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या है, फैकल्टी ऑफ सेंसेशन का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें, नाम पे गौर कीजिए, सेंसेशन, जितनी भी चीजें जो टाइम एंड, अब मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा हूं, ये आप इसी के अंदर क्या करते जाएगा, लिखते जाएगा। ठीक है, ये बाद में मैं नीट एक बड़ी वो, जिस तरह मैं हर लेक्चर से पहले एक बना दो ना डायग्राम, वो डायग्राम आज मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मैं अभी ये लेक्चर खत्म करके तो आई विल मेक अनदर डायग्राम जो पूरे लेक्चर को क्या करेगी, कवर करेंगे, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग कोशिश कीजिए, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए कि थ्योरी ऑफ सेंसेशन, अपना फैकल्टी ऑफ सेंसेशन का ताल्लुक किस चीज से, सेंसेस के साथ। और सेंसेस आप सबको पता है एग्जिस्ट ही कब करती है, ऑपरेट ही कब करती है, विद इन द टाइम एंड स्पेस, वो चीजों पर सेंसेशन अप्लाई हो सकती है जो नजर आती हो, जो दिखाई देती हूँ। तो इसका ताल्लुक जी लिख लीजिए टाइम एंड स्पेस के साथ। लेकिन अब इसको गौर से देखें, मैं बिल्कुल आप सबके सामने एक डायग्राम बनाता हूं, ये एक डायग्राम है अलग से। अब ये आप देख पा रहे हो, सारे लोग देख पा रहे हो, मुझे बताएं इसको मीनिंग दे रहे हो आप या नहीं दे रहे। कैन यू गिव एनी मीनिंग टू दिस डायग्राम, बिकॉज यू कैंट अंडरस्टैंड इट। इसीलिए कांट कहता है कि ये जो फैकल्टी ऑफ सेंसेशन होती है ना, ये मीनिंगलेस परसेप्शन लेकर आती है, सिर्फ सेंसेशन होती है, मतलब नहीं दे सकते अभी आप। वर्ड कौन सा बोल रहा हूं, मीनिंगलेस परसेप्शन। अभी सिर्फ आपने पहली दफा किसी चीज को क्या किया है, देखा है, और आप उसको अभी कोई मतलब नहीं दे रहे। तो इसीलिए वो कह रहा है कि माइंड की ये फैकल्टी सिर्फ क्या कराती है, सेंसेशन कराती है, उसकी कोई मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा। तो यहां से वो कहता है कि अब माइंड की एक और फैकल्टी है, उसको वो कहता है, लिख लीजिए, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जी फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करता है, ये उस मीनिंग लेस इमेज को, उस मीनिंग लेस सेंसेशन को क्या देता है, मीनिंग देता है, उसको डिफाइन करता है। उसको उसको उसका उसको उसका ऑब्जेक्टिव बताता है, उसको डिफाइन करता है। ये सारे वर्ड्स ऐड करते जाए, जी फैकल्टी ऑफ सेंसेशन के थ्रू जो अंदर आता है, ये उसको क्या करता है, उसकी तशरीह करता है, उसको मीनिंग देता है।
जी। और तीसरी चीज है जी, तीसरी जो फैकल्टी है वो है फैकल्टी ऑफ रीजन, फैकल्टी ऑफ रीजन। अगर आप थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअली सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो फिर मुझे ये बताइए कि सेंसेशन किन चीजों की हो सकती है, मादी चीजों की, दिमाग कौन सी चीजों को मीनिंग देगा जो किसके थ्रू आई होंगी। इसका मतलब है यहां तक जो कांट है वो ये कह रहा है कि मादी चीजों का इल्म आ जाए तो दिमाग उसको मीनिंग दे सकता है। यहां तक समझो कि कौन है कांट, मटीरियलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट। समझ आ रही, यहां तक कांट कौन है, या मटीरियलिस्ट है और एम्पिरिसिस्ट है। लेकिन तीसरा वर्ड उसने क्या लगाया कि माइंड के अंदर एक और फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ रीजन। तो अब यहां से हमारा बेसिक फिलॉसफी का नॉलेज हमें हेल्प करना चाहिए ये बात अंडरस्टैंड करने में कि रीजन तो उन चीजों के लिए अप्लाई करते हैं जो ना नजर आती है ना दिखाई देती है। यहां से डेफिनेशन समझने शुरू हो गई है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की, कि कांट कहता है कि दुनिया में कुछ चीजें वो भी हैं जो नजर आने वाली, दिखाई देने वाली जो दुनिया है उससे क्या एग्जिस्ट करती है, बाहर एग्जिस्ट करती है, उसको आपने गॉड का नाम देना है तो गॉड का नाम दे ले। अननाउन है ना, वो क्या है, अननाउन वर्ल्ड है, तो उसका हमें इल्म सेंसेस से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो उसका इल्म हमें किससे होगा, रीजन से होगा। तो ये लिख लीजिए कि जो फैकल्टी ऑफ रीजन है ये हमें उस दुनिया का, उस वर्ल्ड का तुक्का लगाने की, एक इमेज बनाने की क्या देती है, एक एक एग्जाम्पल देती है हमें, ठीक है, कि आप उसको इमेजिन कर लो कि वो चीज जो है वो ये होगी। रीजनिंग यही है ना, रीजनिंग कि वो चीजें जो नजर ना आती हूं, दिखाई ना देती हूं, उनको हम कैसे गेन कर सकते हैं, उनके बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। उसके लिए वो कहता है कि हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अकल का। जी, तो स्पेस एंड टाइम के बाहर रियलिटी एग्जिस्ट वो कहता है करती है, लेकिन वो अननोएबल है हमारे लिए, हम उसको जान नहीं सकते। वो टाइम एंड स्पेस से बाहर एग्जिस्ट करती है, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो चीजें जो समझ में, यानी कि जो सेंसेस में नहीं आती लेकिन मौजूद हो सकती है, होती है या हो सकती है, उनका इल्म हमें किससे आएगा, फैकल्टी ऑफ रीजन से। क्लियर हो रही बात, ठीक है। अब जी इनके नाम लिख लें, जो कांट ना, कांट का एक प्रॉब्लम है, कांट ने इतने मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल किए ना कि बच्चा सुन के वैसे ही पागल हो जाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल। अभी ये तीनों बातें मैंने बड़ी आसान करके आपको समझाई है ना, अब इनके नाम लिखे जरा। इस फैकल्टी ऑफ सेंसेशन को वो पता क्या कहता है जी, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक। और पेपर में ये टर्मिनोलॉजी एग्जामिनर को नजर ना आए तो उसको लगता है कि बच्चे को समझ नहीं आई। जी, इसका नाम लिखे ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक। जी, फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका नाम लिखें जी ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक। जी, ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक, एनालिटिकल होता है तो वहां एनालिटिक पे खत्म कर दें, एनालिटिक। और तीसरी फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ रीजन, इसका नाम लिखें ट्रांसेंडेंटल डायलेक्ट। मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, ट्रांसेंडेंटल डायलेक्ट। तो पहली कौन सी होगी, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक, दूसरी होगी ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक्स, और तीसरी ट्रांसेंडेंटल डायलेक्ट। क्लियर होगी जी बात। अब जरा जी जी, माइंड को एक्सप्लेन करें जी, ये आप है
ये आपके सामने वो कायनात है जो आपको क्या है मेटीरियल हालत में नजर आ रही है। क्लियर होगी बात? और मेटीरियल हालत का मतलब क्या है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के, वो चीजें जो टाइम एंड स्पेस के अंदर क्या करती है एग्जिस्ट करती है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है द नॉलेज ऑफ टाइम एंड स्पेस, और उसके आगे अगर मैटा लगा दें तो क्या बनता है टाइम एंड स्पेस के परे के पार। ठीक है, फिजिक्स साइंस है और मेटाफिजिक्स फलसफा है। तो वो दुनिया जो आपको क्या है नजर आती है इसका इल्म आपको किस तरीके से होता है सेंसेशन के थ्रू होता है। ये बात क्लियर होगी? जितनी रियलिटीज जो हमें नजर आती है उनको वो क्या कह रहा है कि उसका इल्म हमें किससे होता है। और यहां क्या है यहां माइंड है, और माइंड में अभी आपने पढ़ा है हमने कि तीन तरह की फैकल्टीज होती है। पहली दो फैकल्टीज का नाम बताएं, फैकल्टी ऑफ सेंसेशन और दूसरा फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है माइंड पहली दो फैकल्टीज का क्या करेगा, जी माइंड पहली दो फैकल्टीज का क्या करेगा इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करके बाहर से आने वाली जो सेंसेशन होगी उसको क्या प्रोवाइड करेगा, उसको मीनिंग प्रोवाइड करेगा। क्लियर होगी बात? अब यहां पर एक छोटी सी बात आपको समझानी है कि तकरीबन वो कहता है कि आपके माइंड में 12 कैटेगरीज होती है, 12 ब्लॉक्स होते हैं, ये लिखते जाए 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग के 12 क्या होते हैं ब्लॉक्स होते हैं, इसी तरह वो कहते हैं दिमाग के अंदर क्या होती है 12 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। इनके नाम लिखते जाएं, कैटेगरीज कह लो, इनको 12 स्ट्रक्चर्स कह लो, आप 12 बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लो। एक और बड़ा खूबसूरत वर्ड है 12 कॉन्स्टिट्यूटिव फैकल्टीज हैं। कितनी 12 कॉन्स्टिट्यूटिव फैकल्टीज है, यानी कि दिमाग कितनी चीजों को, ये देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल ये देता हूं कि जब आपके सामने क्या आया है ये एक ऑब्जेक्ट आया है ना, तो दिमाग ने जब इसको क्या देना है मीनिंग देना है, तो वो 12 कैटेगरीज के अंदर इसको क्या करेगा प्रोसेस करेगा, एनालाइज लीजिए इनको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो इसको क्या देगा डेफिनेशन देगा, इसको मीनिंग देगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये हमारे जो सामने चीज पड़ी हुई है ये क्या है, ये मार्कर है। ठीक है, वो 12 चीजों के नाम जो है वो अभी मैं जो दूसरी डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको लिख के दे दूंगा। उसका अभी इतना किरदार नहीं है जितना इस बात का किरदार है कि हमें ये बात क्या हो रही है समझ आ रही है कि माइंड ने सेंसेशन के थ्रू आने वाले नॉलेज को क्या किया इन 12 कैटेगरीज के थ्रू मीनिंग दी। क्लियर हो गया? इस ये दुनिया जो नजर आती है दिखाई देती है, अच्छा इसका एक और नाम भी लिख ली द वर्ल्ड ऑफ परसेप्ट्स, किसी को इतराज तो नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बोला है ना परसेप्ट्स किसको कहते हैं जो फिजिकल और टेंजिबल चीजों से सेंसेशन हासिल होती है उसको क्या कहते हैं परसेप्ट्स। इनका नाम लिख लें जी, इनका नाम लिख लें जी। इस दुनिया को इमैनुअल कांट कहता है द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना। मादे दुनिया का नाम क्या है द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना। और प्लीज मैं फिर कह रहा हूं ये टर्मिनोलॉजी यूज करनी है आपने और सीखनी है द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना। तो वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना कौन सी होगी द वर्ल्ड ऑफ प्रिसेप्ट्स, और आसान करता हूं द वर्ल्ड ऑफ सेंसेशन, द वर्ल्ड ऑफ मैटर, द रियलिटीज विच एग्जिस्ट विद इन द बॉन्ड्स ऑफ द टाइम एंड स्पेस, और जिनको दिमाग सेंसेशन से लेता है, फैकल्टी ऑफ सेंसेशन उसको परसीव करती है, और फैकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको क्या देती है मीनिंग, और यू हमें रियलिटी का पता चल जाता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि इमैनुअल कांट आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म का क्या है
ब्लेंड है वो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों का क्या है, जोड़ता है उनको। इसलिए वो कहता है कि वो दुनिया जो टाइम एंड स्पेस से क्या है बाहर एग्जिस्ट करती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले भी मैंने बोले हैं, दोबारा बोल देता हूं, ये वो दुनिया है जो टाइम एंड स्पेस से बाहर है। नंबर वन, इट इज अनोएबल, ठीक है। नंबर थ्री, इट इज नॉन मटीरियल इंटेंजिबल, ठीक है। और तीसरा, चौथा, अब हमें अगर इसका इल्म लेना है तो किसके थ्रू हम इल्म ले सकते हैं, रीजन के थ्रू। इस दुनिया को, ये हो गई द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना, और इसको वो कहता है द वर्ल्ड ऑफ निम, अपना इसका नाम आप स्पेलिंग लिख रहे हैं फिनोमेना के आगे से ना, नेमना, NEOMENON, NEOMENON जी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स में ये बात लिख लें, इट इज बियॉन्ड परसेप्ट्स, इट इज बियॉन्ड, ये परसीव नहीं हो सकती। और इनका एक और नाम भी वो कहता है, थिंग्स इन देमसेल्फ, थिंग्स इन देमसेल्फ। और ये नजर की दुनिया से, देखने की दुनिया से क्या है, पार की दुनिया है। तो आप कहेंगे कि सर जो चीज हमारी परसेप्शन से क्या है बाहर एग्जिस्ट करती है उसका क्या सलूशन है, तो उसके लिए मैंने बताया कि अब यहां पर वो क्या यूज करेगा, फैकल्टी ऑफ रीजन। और रीजन क्या करेगी, रीजन इन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेगी। इसका नाम ये सर, ये वर्ल्ड ऑफ प्रिसेप्ट, इसको लिखो, ये वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट, ये वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बात समझ आ रही? सो जहां से शुरू किया था उधर ही आ जाए, थॉट, थॉट विदाउट मैटर एंड मैटर विदाउट थॉट, दोनों क्या है, बेकार, दोनों मुकम्मल हकीकत नहीं हो सकते। क्यों? थॉट किसी चीज की होगी, थॉट किसी चीज के बारे में होगी ना, तो वो चीज क्या है, वो मादा है। और सिर्फ मादा पड़ा हो तो जब तक आप उसको थॉट ही ना दे सकते हो तो उसकी हमें समझ ही नहीं आएगी। सो थॉट विदाउट मैटर एंड मैटर विदाउट थॉट, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। इस पूरे फलसफे को, ठीक है, हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म बाय इमैनुअल कांट। ये उसकी जो फिलॉसफी है, थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। ये आपका पूरा 20 नंबर का सवाल है फिलॉसफी का, ठीक है। और ये आपका कल को मोस्ट प्रोबेबल सवाल हो सकता है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने बच्चों को कहा था, लेकिन किसी भी बच्चे ने सवाल लिख के चेक नहीं कराया। मैंने अपने बच्चों समेत कोई भी बच्चा, ये चूंकि ओपन लेक्चर होता है, सबको कहा था कि कोई भी बच्चा इन सवालों के ऊपर क्या कर सकता है लिख के। तो एक बच्चा कल आया था बस, मोहन, आपके दिसंबर सेशन का, बाकी कोई भी नहीं आया। तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। प्लेटो और अरिस्टोटल आपने लिखे होंगे, बड़ी दफा ना चीजें लिखी होती, ये वाले सवाल आपने लिखे नहीं होते, तो इसलिए कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता इनको टाइम दें और इनके ऊपर लिखना भी स्टार्ट करें। क्योंकि पेपर में ये मिकदार भी क्या होती है, चीज थोड़ी होती है, लेकिन जब आपने इसको एक्सप्लेन करना है तो जाहिर बात है आपने को 2-3-4 सफे तो आपने करने हैं पूरे। तो वो कब आएगा, जब आपको, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ये वहां पर आपने एग्जामिनर को एग्जाम्पल्स देनी है, उसको ये नहीं लगे कि इसने रट्टा लगाया, उसको ये लगे कि इसको फलसफा आता है। और अभी इसकी अगली स्टेज भी है, जब आपको मल्टीपल फिलोसफर्स को इकट्ठा बोलना आता हो, इकट्ठा लिखना हो, यानी कि आप कांट पढ़ रहे हैं तो आप रैशनलिज्म के जितने बाकी फिलोसफर हैं उनका रगड़ा लगाएंगे, आप मटीरियलिज्म के जितने फिलोसफर हैं उनको रगड़ा लगाएंगे। वो कब लगाएंगे, जब हमें उनका बताओ। तो ये है जी ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। अब हमारा इस लेक्चर का इससे भी अहम और आसान तरीन पार्ट है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय इमैनुअल कांट। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय इमैनुअल कांट, और ये बहुत आसान है। जिन बच्चों को
हॉब्स लॉक रूसो आता है उनके लिए ये 5 मिनट का लेक्चर है, और जिनको वो नहीं आता वो फिर पहले उनको पढ़ेंगे तो फिर उनको ये वाली बात समझ आएगी। डन होगी जी बात? और